हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सबको एक बात बताना था, जो कि मैं कुछ दिन से मैं टिकटॉक में भी एक्टिव नहीं हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब में भी एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और क्या बोलते हैं, मेरा ये जो आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ जहाँ पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, और हम लोग यहाँ पे रहते थे, अभी भी हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं। तो अभी मेरा जो फैमिली है ना, मतलब कि उनका सोच बहुत छोटा है, तो मैं उनका बच्चा होकर मैं उन सबको समझाता रहता हूँ जो कि सोच कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए। सोच हो तो कभी बड़ा हो, और बड़ा सोच होगा तभी कोई इंसान बड़ा कर सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। और अभी मतलब कि अच्छा भी चल रहा है, अभी हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब तो अभी कुछ दिन से मेरा शूटिंग भी चल रहा था, और बहुत अच्छा शूटिंग कंप्लीट भी हो चुका है, और बहुत अच्छा शूटिंग होने भी वाला है। तो अभी मौसम के वजह से, देखिए अभी पानी पड़ रहा है, मौसम के वजह से अभी मतलब शूटिंग नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कि मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, तीज आ रहा है, तीज के बाद से मतलब शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब इसी बीच बात यह है जो कि जो आप लोग मेरे क्वीन के बारे में जानते होंगे, हाँ मेरे क्वीन, जिन जो जो जानते हैं उन सबको तो बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जो नहीं जानते हैं मैं उन सबको एक बात बोलना चाहूँगा, जो कि उनका अभी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, और मेरे घर का फैमिली भी बहुत चिंतित है, और मैं भी बहुत चिंतित हूँ। और वो बोल रहे हैं जो कि आप जाओ एक बार उनको देखो कैसा है तबीयत, क्या है क्या नहीं है। अभी मैं यहाँ से सुर्खियत जाने वाला हूँ, आज ही मेरा गाड़ी है 1 बजे का। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग मतलब कि देखते रहिएगा, और आगे जो जो भी होगा मैं आप सबको सब बताता रहूँगा। और आप सबको एक बात और बताऊँगा, जो कि हाँ मैं जहाँ पे पहले रहता था, अगर मैं वहाँ का वीडियो बनाऊँ, जो कि हाँ मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए मैं वहाँ पे कैसे कैसे रहता था, कैसे कैसे जीता था। मैं वहाँ पे 8-9 साल से मैं वहाँ पे रहा हूँ उस घर में। तो मतलब कि अगर आप लोग चाहते हैं जो कि मैं वहाँ का वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग लगे रहिए और देखते जाइए। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हो, मैं बस पार्क पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से सफ़र होता है सुर्खियत का। ये हम लोग का बीरगंज का बस पार्क है, तो मैं अब यहाँ से चढ़ने वाला हूँ और यहाँ से मैं बैठने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, और मतलब कि देखते रहिए, और आगे जो जो भी जैसा जैसा भी होगा मैं आप सबको बताता जाऊँगा और बोलता जाऊँगा। ये मतलब हमारे बस के मालिक जी है, और इनका बस ये है, आप लोग देख सकते हो। हाँ एक मिनट कहेंगे बात, आई आ गनी। सो ये देखिए, हम लोग इसी बस में जाने वाले हैं, यही बस में हम लोग जाने वाले हैं। गाड़ी 4511 गाड़ी नंबर, तो यही बस है। अब मैं इसमें बैठने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी देखिए, एक सर बैठाए हैं, सर मिले हैं, उनसे ही मिल लिया जाए। वो क्या बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन एक सर मिल गए, उनसे ही बात कर लिया जाए। हाँ भाई, कहेंगे माल खबर सुरखेत हो जाए बहुत जल्दी हो जाए। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आज सुरखेत जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं अभी बस स्टैंड पे हूँ, तो यहाँ पे हूँ, तो मेरा एकदम मतलब कि मेरा स्कूल का दोस्त आज बहुत दिन के बाद ये भी पोखरा जा रहा था, तो मतलब कि ये मुझे मिल गया। तो आज मैं बहुत सरप्राइज हूँ, और ये भी बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हो। ये मेरा दोस्त, और हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, है कि नहीं दोस्त? जी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग का स्कूल का नाम है श्री रामचलन साह पन्ना लाल स्कूल। हम लोग छोटे में किशन पढ़ते थे, तो क्या जलेबी के लिए हम लोग पहले से जल्दी जल्दी मतलब पढ़ाई सर पढ़ाते थे, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके, और हम लोग दोनों साथ में क्या बोलते हैं, साइकिल से एकदम रेस करके जाएगा, और गरम गरम जलेबी खाया करते। वो भी आपको याद होना चाहिए बिट्टू भाई। याद है दोस्त, ये मेरा दोस्त है और बहुत मुझे मानता भी है। तो मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ आज इससे मिल के। तो मतलब बस यही है, आगे का सफ़र ऐसा ही अच्छा हो, और हाँ, और मैं अच्छा से वहाँ पे पहुँचूँ, और दोस्त आप भी अच्छा से वहाँ पे पहुँचूँ, एकदम बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आगे आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, और मैं आप लोग आगे भी बताता रहूँगा आगे क्या होगा कैसा हो। जैसे
कि आप सब देख रहे हो, मैं अभी यहाँ पे हटौड़ा पहुँचा हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ खाने का सामान भी ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये भी भाई सुजीत ही जा रहे हैं, तो हम लोगों का सफ़र एकदम रोमांचक सफ़र होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं हटौड़ा में, कैसा होता है, कैसा सफ़र करता है। तो अब बैठेंगे उसके बाद चलेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हो, हम लोग हटौड़ा से चल चुके हैं। तो ये सफ़र बहुत रोमांचक लग रहा है, और आगे भी ऐसा ही हो, भगवान से यही प्रार्थना है। और हम दोनों अच्छे से सुरगत पहुंच जाए, ये भी दुल्हन से चले हैं। तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अब देखा जाए क्या होता है और कैसे होता है, हम लोग कैसे कैसे चलते हैं करके। आप लोग बने रहिए, मैं आप सबको सब बात बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग वहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो अभी यहाँ पे जाम लग गया है, और पानी का भी खूब बरस रहा है यहाँ पे। तो कुछ बता नहीं सकता अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे जाम भी लग चुका है, और यहाँ पे गाड़ी का बहुत ढेर सारा लाइन भी है, और रोड में भी बहुत सारा पानी लग चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा क्या हो रहा है आगे, और कैसा कैसा हो रहा है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग देखिए, रात का 11 बज रहा है, तो ये पता नहीं आगे क्या होगा। और ऊपर से पानी भी वैसे ही पड़ रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कितने देर तक रुकेंगे। तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है, पानी भी बहुत बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। और सो गाइस नमस्ते, मैं आप सबको एक बात बता दूँ, जैसे कि हम लोग वहाँ पे थे, और हम लोग वहाँ से अच्छे खासे निकल गए। वहाँ पे बहुत जाम लगा था, तो वहाँ से मतलब कि हम लोग जैसे ही आगे आए ना, तो यहाँ पे और पानी लगा है आगे, और एक स्कॉर्पियो फंस गया है। तो अभी कोई नहीं आया, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया है। तो मतलब बात यही है कि हम लोग का ये सफर ना एकदम रोमांचक सफर हो गया है, और मतलब कि हाँ, ना पुलिस आया है ना कुछ आया है, मतलब कि यहाँ पे गाड़ी फंस चुका है, और मतलब कि बहुत तनाव हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जितना भी पैसेंजर भाई लोग हैं, सब लोगों को भूख से हाल बेहाल है, और मैं भी बहुत पूरा हाल बेहाल हूँ, बहुत जोर से भूख लगा है, और हमारे खड़ूस सर को भी बहुत भूख लगा है, हमारे सर को बहुत भूख लगा है। और वो जो आप देख रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब है, जो कि बहुत मेहनत से सबको बचा के लेके आए हैं। और मतलब सफर क्या है, मतलब कि एक तो पानी ऊपर से ऐसा ही मतलब कि पड़ रहा है, और एक छोटा छोटा नहीं, बहुत मोटा मोटा बूंदा पड़ रहा है। तो मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है जाने में, सबको भूख लगा है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो जो गाड़ी फंसा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और हम लोग का भी भगवान करे ना ऐसा हो, हम लोग भी अच्छे खासे से निकल जाए, तो मैं यही बोलना चाहूंगा। और आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सुनो के पास डाइवर्सन है, जहाँ पर पुलिस को बिठाई जाके टांग के निकाल दी, थोड़ा हेल्प करे हम लोग को, थोड़ा विभाग को बिठाइए प्लीज। ये जो सर बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग इस बात पे गौर करें, और यहाँ पे मतलब कि हम लोग का सरकारी कर्मचारी होते तो और भी अच्छा होता, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, और पूरा सुन सन्नाटा है। तो मतलब कि हर एक ठाव पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, आगे नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारे जो ड्राइवर सर हैं, बहुत चिंतित में है, और ये सोच रहे थे कि मैं कैसे निकालूं अपना गाड़ी को। तो मतलब बहुत परेशान है सब लोग, देखिए दिमाग लगा रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे चल चुका है, और ये देखिए रोड में कितना पानी लग चुका है, ये सब आप देख सकते हो। ये देखिए रोड में पानी लग चुका है, और एक यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये देखिए समाधे, ये देखिए फंस चुका है, ये देखिए पानी, ये देखिए स्कॉर्पियो। Okay.
खड़ूस ड्राइवर जी। तो गाइस मैं ये बोल रहा था जैसे कि अभी हम लोग खाना खाने वाला जगह में पहुँचे हैं, तो हम लोग खाना खा चुके हैं और बाहर बहुत पानी पड़ रहा है। लमसम रात के 2 बजे वही तो लमसम रात के 2 बज रहा है, तो बाहर बहुत पानी पड़ रहा है और आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। तो पता नहीं आगे क्या होगा कैसा होगा, बस लोगों से यही हुआ है कि हम लोग अच्छे से मतलब पहुँच जाए, सब लोग पहुँच जाए। और मतलब मौसम और हमारे ड्राइवर जी के बीच में बहुत बड़ा चुनौती है। आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे ये नहीं। ठीक है, चलो ये बात सुन के बहुत खुशी लगा और बहुत बड़ा हौसला भी आया अंदर। तो बस यही है, अब हम लोग खाना खा चुके और मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा अभी क्या होगा। सो गाइज जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ, हम लोग तो जैसे तैसे करके यहाँ तक तो पहुँच आए हैं और पीछे का गाड़ी अभी वहीं पे मतलब फंस गया है। अगर हम लोग शॉर्टकट नहीं मारते तो मतलब कि अभी तक हम लोग भी उधर ही फंसे हुए होते हैं। तो हम लोग अभी कोलपुर तक पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच के चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है जो कि हम लोग अच्छे से पहुँच गए। तो और भी ऐसा बहुत दोस्त लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। उनमें से एक ये भाई है जिनकी ये सफ़र में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया और हम लोग हंसते खेलते आ गए और पता ही नहीं चला सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब यहाँ से सुरखत का रास्ता 3 घंटा तक का है, तो हम लोग यहाँ से 3 घंटा और बैठेंगे गाड़ी में, अभी और रमाइल होगा और मज़ा और मौज मस्ती होगा। तो आप लोग बने रहिएगा और मैं आप सबको अपना बात बताता रहूँगा और आगे क्या क्या होगा मैं आपको सबको दिखाता रहूँगा। यो सो हेलो गाइज नमस्ते। जैसे कि आप सबको पता है हम सब अभी बबई को क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी मैं जिससे मिलने के लिए इतना बेताब हूँ मतलब कि वो जगह एकदम पास आने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो उनका तबीयत कैसा है कैसा नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं प्रे इतना ही करूँगा कि उनका तबीयत अच्छा हो और वो जब भी मेरे सामने आए तो हंस के आए
ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। अब और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए मूत्र विसर्जन के लिए हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोके थे, और ये हमारे ड्राइवर साहब जी हैं, और ये ये दोस्त और भाई टाइप का इंसान है। तो सर ये बताइए, हम लोगों को उधर से इधर आने में कितना तकलीफ हुआ? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ ना एकदम। अगर आप मतलब कि वहाँ से शॉर्टकट नहीं मारते तो ऐसा बहुत चीज़ हो सकता था जो नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ। तो वही बात है गाइज, आप लोग जहाँ पे भी जाओ, आप लोग जिधर भी जाओ, आप लोग अपना व्यवस्था अपना पास रख के जाओ साथ, मतलब कि उनका हर एक व्यवस्था लेके जाओ, क्योंकि गाड़ी घोड़ा में कोई भी कुछ भी हो सकता है क्या। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग एकदम मतलब कि सेफ होके जाओ क्या, बस। गाइज फाइनली म सुर्खेत में आइसकेको छु र म आफ्नो क्विनको होममा छु। सो धेरै खुसी लागिरहेको छ र एकदमै म यहाँ सेफली पुगिहालेको छु, र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पानीको कति हालाहाल छ कि यता, यतिखेर पनि धेरै पानी आइसकेको छ र खै थाहा छैन मतलब कतिखेर अब कति पानी आउन सक्छ भनेर। सो म अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले आफ्नो पुरै फ्यामिलीसँग छु, क्विनको मामाजी, हाम्रो नानी आन्टीजी, अनि मा क्विन, हाम्रो ठुलो दादा, अनि हाम्रो मेन डन मम्मी खोइ डन 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 प्लिज प्लिज कम ब्याक यस यस। सो गाइस वो क्या बोलते हैं ना, मतलब कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, हम लोग का फैमिली बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने हमारा वीडियो देख दिया। ये देखिए बॉडी, ये देखिए, ये सब मैंने सिखाया है, सब मैंने सिखाया। ये देखिए हमारे मामा श्री, अरे मामा श्री। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया है क्वीन के बड़े भैया, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी कोई भी सफर में जाओ ना, तो आप लोग अपना व्यवस्था लेके जाओ और अपना व्यवस्था में कोई भी कोई कमी ना छोड़ो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।